मोदी गवर्नमेंट को 4.5 साल हो गए हैं, उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? जी बहुत ही अच्छा रहा है जो भी उन्होंने काम किया है, पर सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिला है, ठीक ठाक काम काज उसके बारे में तो बहुत अच्छा इकोनॉमिकली अच्छा है, पर जो बोले थे कि सबको इकट्ठे लाएंगे हिंदू मुस्लिम को सबको, वैसा उतना नहीं किया गया इस काम में। उन लोग का काम करने का तरीका, जैसे नोटबंदी करवाए, भले ही वो सक्सेस नहीं हुआ लेकिन कुछ हद तक तो सक्सेस हुआ ही, कुछ ना हो तो खुश हो गए। मतलब कि मुझे लगता है कुछ विकास हुआ है और कुछ नहीं भी हुआ है, मतलब बहुत होना चाहिए था जो नहीं हुआ, जैसे महंगाई बढ़ गया है तो वो नहीं होना चाहिए था, वो तो घटाने के लिए बने थे ना, बट घटा नहीं पाए और बढ़ा ही दिए महंगाई, मुझे वो लगा देखने से। मैं उनके भी सपोर्ट में नहीं हूँ, एक्चुअली मैं किसी भी नेता का सपोर्ट में नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ करते भी हैं, मुझे नहीं लगता कहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं, बस हाँ एक तरफ ये चीज़ दिखता है कि हम लोग रात या ये में निकल रहे हैं तो हर तरफ बस कचरा उठाओ और ये बस इतना ही, कहाँ लड़कियाँ कहाँ सेफ हैं, आए दिन रेप बस बढ़ते ही जा रहा है और लालू के टाइम से हमको लगता है कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा रेप हो रहा है अब के डेट, तो हमको वो प्रोग्रेस के लिए पे नहीं दिख रहा है, सब्सिडी ऐसे ही बढ़ते जा रही है, ठीक है महंगाई बढ़ती जा रही है, तो मैं उनके सपोर्ट में नहीं। हमें तो मोदी गवर्नमेंट एकदम सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री से ऊपर बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो काम किया है अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे GST हो गया, GST भी बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी है हमारे इंडिया में, तो इसी तरह से और भी अगर कुछ दिन ऐसे ही मोदी कुछ साल ऐसे ही रह जाए मोदी सरकार, तो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत करें। साढ़े चार साल ये जो मोदी गवर्नमेंट को इंडिया को जैसा मतलब उन्होंने सरकार चलाया है, ये कहीं ना कहीं हमें फिर से एक नया इतिहास मिलेगा, हम बढ़ रहे थे एक नए डेवलपमेंट के तरफ से, एक नई आज़ादी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि जो अंग्रेज करके यहाँ गए थे बिल्कुल हम शुरुआत में पहुँच चुके हैं, इस तरह से देश को पीछे धकेला जा रहा है हर डेवलपमेंट के प्रोग्राम को देख करके। उनका कौन सा ऐसा स्कीम है नरेंद्र मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की, कि जो मतलब सक्सेस हुआ हो, एक आम जनता से पूछिए वो भी इस पे एकदम मतलब हंसते हुए कमेंट करते हैं कि कोई ऐसा स्कीम नहीं है जो मतलब इस पे कहा जा सके कि ये सक्सेस हुआ, जिसका भी उठा लीजिए GST का उठा लीजिए, ये इतना पेचीदा मामला है, इस पे इतने सारे रेट तय कर दिए गए हैं कि आम जनता परेशान है कि कौन से चीज़ों पर कितना GST देना है ये उसे भी नहीं पता है, वहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेटर जैसे बोल देते हैं कि कोई किसी वस्तु पे इतना GST लगेगा लोग मान लेते हैं, वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं उसके बारे में कि क्या है। नोटबंदी का वही हाल हुआ, इसके लिए तो एकदम एक छोटा सा कोटेशन हम कह सकते हैं कि बाज बच गए और कबूतर मारे गए नोटबंदी से, और कुछ नहीं हुआ है, यही सब हुआ है देश में। और जितने भी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात कीजिए, नमामि गंगे के बारे में बात कीजिए, आप जिस धरती पर खड़े हैं बिल्कुल गंगा के किनारे खड़े जाकर के भी आप वहाँ जाकर के देख आप सकते। मुस्लिम यूथ हैं जी, उनकी स्कीमें तो सबके लिए आती है जी, तो क्या आप एक बतौर एक मुसलमान युवा पढ़े लिखे युवा होने के नाते उनके कार्यकाल किस रूप में देखें? अगर हम आपने बहुत अच्छा बात कह दिया कि हम पढ़े लिखे युवा, तो हम कभी भी ये मुस्लिम के चश्मे के नज़र से नहीं देखते हम चीज़ों को, हम जब भी चीज़ों को देखते हैं तो एक राष्ट्रीय एकता के तौर पर देखते हैं, हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री किसी हिंदू के किसी मुस्लिम के, वो सभी के लिए हैं, अगर बने हैं तो सभी के लिए बने हैं, और हमारा जो भी थॉट होगा वो सभी के लिए होगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ नहीं है जो एक कम्युनल के तरह उनके जैसे जैसे उनके कुछ वैसे संगठन है RSS विश्व हिंदू परिषद, मतलब किसी एक कम्युनिटी के बारे में बात करती है, हम जब पढ़े लिखे हैं तो किसी एक कम्युनिटी के बारे में बात ना करेंगे, जब भी बात करेंगे तो पूरी कम्युनिटी की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी का 4.5 साल काल ऐसे पूरा हुआ है, लग रहा है कि यहाँ पे कोई सरकार ही नहीं है, यहाँ टेररिज्म का सरकार लग रहा है चल रहा है, जैसे हिटलर की जर्मनी में चलता था वैसे नरेंद्र मोदी इंडिया में चला रहे हैं, ऐसे लग रहा है। 4.5 साल में जितने भी इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रियां है भारत में, सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए बना हुआ है, मुस्लिम पर कोई मतलब देखा ही नहीं जा रहा है इस रूप से। उनकी जो स्कीमें आती है सभी के लिए आती है, चाहे मुस्लिम हो या ऐसा तो नहीं है,
ऐसा तो नहीं देखा गया है जितना भी भारत में फैक्ट्रीज है सब नॉन मुस्लिम के लिए ही आते हैं। अभी बोले थे 35 एयरपोर्ट बनवाने के लिए, 35 में से अभी 16 भी एयरपोर्ट नहीं बने हैं, सिर्फ 4 ही दिखते हैं। देखिए जब 2014 में मोदी हुकूमत आई थी, तो जब 2014 का चुनावी बिगुल फूका गया था उस टाइम उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में रैलियां की थी, सभाएं की थी। उसमें अभी बिहार में आप आ जाइए तो बिहार में 27 तारीख को हुंकार रैली गांधी मैदान में हुआ था। और उन्होंने यहाँ पे आने के बाद भी बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, 2 लाख युवाओं को रोज़गार, आपको 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी, आपने डिजिटल इंडिया बनाने की बात कही थी, आपने देश की GDPI को बढ़ाने की बात की थी, पेट्रोल के दाम को, डीजल के दाम को घटाने की बात कही थी, गैस के दाम को घटाने की बात कही थी, एजुकेशन को बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन आपने जितने भी वादे किए थे हिंदुस्तान में, आप जब वज़ीर आज़म बने हिंदुस्तान के, आपने जितने भी वादे किए थे एक भी वादे पर आप मुकम्मल खड़े नहीं उतरे। आपका 2 करोड़ रोज़गार को देने का वादा फेल हो गया। ज़मीन से आसमान तक आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को पहुंचा दिया। 300 रुपये वाला गैस सिलेंडर को आपने 900 रुपये पहुंचा दिया। आप युवाओं को रोज़गार के नाम पर ठगते चले गए। आपने बोला मैं डिजिटल इंडिया के नाम पर तुम्हें रोज़गार दूंगा, कहाँ आपको दिख रहा डिजिटल इंडिया? आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा मोबाइल। आप कहीं भी चले जाइए, इनकी सिर्फ और सिर्फ बोली बिकती है। पूरे देश में इन्होंने ऐसा माहौल ख़राब किया है, पहले हर मामले में हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, कांग्रेस को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, बिरयानी खाने खुद जाते हैं और जोड़ते हैं वो हिंदुस्तान का, मतलब कांग्रेस को जोड़ देते हैं पाकिस्तान के नाम से। आप रोज़गार के नाम पे देखिए कि मोदी सरकार 2014 साढ़े 4 साल में कितने % रोज़गार दिए। उसने कम से कम 2 करोड़ रोज़गार देने के जगह 2 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार छीना है लोगों का। और ये डेटा आप उठा के देख लीजिएगा, जब से नोटबंदी हुई है, नोटबंदी के बाद कितने लोगों की जो ये थी, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे जो अपना छोटा छोटा काम करते थे, उनकी बिजनेस बंद हो गई। नोटबंदी में सारे काले धन को उन्होंने, अपने काले धन को अपना वाइट करके रख लिया, लोग लाइन में लग के मर गए। ये पैसा क्या नरेंद्र मोदी जी के बाप का था कि गरीब लोग लाइन में लग के अपने मेहनत के पैसे की कमाई को लेने के लिए लाइन में लग लग के मर गए, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये फीलिंग होती है कि हम उनके दुख के साथी हैं। क्या साथी हैं? जिसने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी आपके, मतलब इसमें मुल्क की खिदमत में लगा दिया, आप उसको गद्दार साबित कर देते हैं। मोदी गवर्नमेंट जो आई है इस देश का नेतृत्व करने के साथ साथ विदेश में जो इस देश को रिप्रेजेंट किए हैं वो काबिले तारीफ है। आज देश दुनिया में मोदी की नाम हो रही है। लगातार उस देश के अंदर जो इतना बड़ा समर्थन उनको मिला, हर स्टेट में लगातार मोदी की गवर्नमेंट जीतती जा रही है, हर स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बना रही है। आप देख सकते हैं जितनी भी जगह पे चुनाव हुई है लगातार उन लोगों को समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और ये युवाओं का एक जोश है जो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लगता है जो मोदी ही एक ऐसा फेस है जो इस देश में नेतृत्व कर रहा है, और इस देश के बाहर जो विदेश है वहाँ पे नेतृत्व कर रहा है। मोदी जी को आने से लगभग कुछ जगहों पर बहुत अच्छे काम हुए, जैसे भ्रष्टाचार लगभग ख़त्म होने की कगार पर है, शिक्षा के क्षेत्र में जो माफियाओं लोग जो अंदरे अंदरे सेटिंग होती थी वो भी लगभग समाप्त हो गई है। और सिर्फ एक चीज़ उनके बातों के अनुकूल नहीं रहा, 14 लोकसभा चुनाव में उन्हें गांधी मैदान में भी कहे थे हम महंगाई को काबू करेंगे, लेकिन ये इस क्षेत्र में वो विफल रहे। लेकिन लगभग 4.5 साल के शासनकाल में सभी रूप से देखा जाए तो अच्छा ही रहा है, सिर्फ महंगाई को छोड़ दिया जाए तो। ठीक ही है, जितना करना चाहिए वैसा नहीं कर पाए। 4 साल में जैसे सरकार रही, अगर चाहती तो कुछ बेटर कर सकता था, उस हिसाब से तो बेटर नहीं किया, उससे बेटर तो कांग्रेस थी। हमें तो मोदी गवर्नमेंट एकदम सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री से ऊपर बोला, क्योंकि उन्होंने जो जो काम किया है अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे GST हो गया, GST भी बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी है हमारे इंडिया में। इसी तरह से और भी अगर कुछ दिन ऐसे ही कुछ साल ऐसे ही रह जाए मोदी सरकार, तो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत तरक्की।